अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू आर डूइंग वेल। सर उमर मुगल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने रिवर्सिंग इंट्रीज का टॉपिक स्टार्ट किया था, और उसके अंदर इससे पहले हमने एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया विद एडजस्टमेंट एंड रिवर्सिंग इंट्रीज। और आज के लेक्चर के अंदर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और इसमें हम एडजस्टिंग इंट्रीज और अगर ज़रूरी हुआ तो रिवर्सिंग और ओपनिंग इंट्रीज का पार्ट भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर ऑफ फखरे आलम। फखरे आलम के जो बैलेंसेज हैं वो आपके पास गिवन हैं। आ ट्रेडर एक सोल ट्रेडर हैं ऑन June 30, 1994 को बिफोर एडजस्टमेंट पर एज फॉलोज। कैश आपके पास है 444, अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है बिगिनिंग की, प्रीपेड इंश्योरेंस है, एसेट होता है ऑफिस इक्विपमेंट है, फिक्स एसेट अकाउंट पेबल लाइबिलिटी, अलाउंस फॉर बैड डेट्स गिवन है पहले से 44 रुपीज़ का। फखरे आलम का कैपिटल है, सेल्स रेवेन्यू है, सेल रिटर्न एंड अलाउंस है, परचेजेज हैं, कैरेज ऑन परचेज है, परचेजेज हो गया, परचेज डिस्काउंट हो गया, और शॉप रेंट एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस है, और कमीशन इनकम भी आपके पास मौजूद है। सप्लीमेंट्री डेटा आपके पास 8 एंट्रीज के ऊपर मुश्तमिल है। तो आपके पास सबसे पहले आ गया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपने क्रिएट करना है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स है, अक्रूड सैलरीज हैं, इंश्योरेंस हैं, और शॉप रेंट है, और अनएक्सपायर्ड जो हो गया कमीशन अन एंड है, प्रीपेड सैलरी, और आपको कह रहा है कि एडजस्टिंग इंट्रीज बनानी है आपने, और हो सका तो रिवर्सिंग इंट्रीज अगर ज़रूरी है वो भी बनाएं जनरल जनरल के अंदर। तो यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ और उसके बाद आपको इंट्रीज बनाकर पहले एडजस्टमेंट दिखाता हूँ, क्योंकि हमने टॉपिक के अंदर क्या बात की थी कि जो हमारे पास एडजस्टमेंट बनती हैं उनमें से कुछ पार्ट होता है जो कि हमारा रिवर्सिंग के अंदर बनता है, उसमें कुछ पेबल का पार्ट होता है, उसमें कुछ प्रीपेड का पार्ट होता है, तमाम इंट्रीज की रिवर्सिंग नहीं बनाई जाती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास एडजस्टिंग इंट्री किसकी बनेगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की। तो एंडिंग की तो फिक्स इंट्री होती है, सबसे पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं। फखरे आलम जनरल जनरल एडजस्टिंग इंट्रीज 1994 जून 30, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगा, एंडिंग इनकम समरी क्रेडिट हो जाएगा 666 से टू एडजस्ट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एट एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि एज एन एसेट है, साल के आखिर की इन्वेंट्री जो बचती है वो एसेट होती है इनकम स्टेटमेंट में, वो रेवेन्यू का काम परफॉर्म करती है क्योंकि वो आपकी कॉस्ट को कम करती है, इसकी वजह से इनकम समरी में आपका यानी कि प्रॉफिट में इजाफा होता है, तो इनकम समरी क्रेडिट होता है। आगे आपको कह रहा है सेकंड वाली में कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट ऑन इक्विपमेंट जो एस्टिमेट किया गया 33 रुपीज़ का। तो आप देख सकते हैं कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इससे पहले आपके पास मौजूद है या नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास डेप्रिसिएशन की इसकी फिक्स एंट्री बन जाएगी जून 30 की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट इक्विपमेंट का 33 रुपीज़ से टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ द ईयर, ठीक है ना। उसके बाद उसने कहा कि अलाउंस फॉर बैड डेट वॉज एस्टिमेटेड अंदाजा है कि 99 रुपीज़ हो जाएंगे। अलाउंस फॉर बैड डेट्स पहले से कितने का था, 44 रुपीज़ का था, वो क्या कह रहे हैं कितना एस्टिमेट हो जाएगा, अब 99 हो जाएगा, इसका मतलब मजीद बढ़ जाएगा। तो एंट्री तो फिक्स बनेगी, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, 99 में से आप माइनस करवा देंगे 44, तो आपके पास इस साल का बैड डेट्स एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 55 रुपीज़ का हो जाएगा। बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट टू एडजस्ट बैड डेट्स एक्सपेंस ऑफ द ईयर। उसके बाद फोर्थ एंट्री के अंदर आपको कह रहे हैं अक्रूड सैलरी दें जिसकी अमाउंट कितनी है, 155 अक्रूड है यानी कि अनपेड है, तो फिक्स एंट्री, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट 155 रुपीज़ से टू एडजस्ट सैलरीज पेबल ऑफ द ईयर या आउटस्टैंडिंग या अक्रूड सैलरीज ऑफ द ईयर। हालांकि आपके पास सैलरीज एक्सपेंस 777 का मौजूद था, लेकिन मजीद आपके पास आउटस्टैंडिंग थी। उसके बाद आपके पास इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड, प्रीपेड हो गया, बच गया 33 से, तो आपके पास इंश्योरेंस था कितने का, प्रीपेड इंश्योरेंस 155 का था, कह रहे हैं कि अब 33 का बच गया है, तो 150 टाइटल सेम है, 155 में से 33 माइनस करवाएंगे तो रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो आपका एक्सपायर हो गया, ठीक है ना। तो एक्सपेंस की एंट्री बनेगी और प्रीपेड कम हो जाएगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 155 था, 155 में से आपके पास वो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कितना बचा, 33 बचा है, तो 122 का आपका एक्सपायर हो गया और 122 से आपका एसेट कम हो गया, टू एडजस्ट इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑफ द ईयर की आप एंट्री बना लेंगे। उसके बाद आपके पास शॉप रेंट अनएक्सपायर्ड है, अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड है, तो शॉप रेंट एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया था 444 से, कितना एक्सपेंस होगा, लेकिन उसमें से 155 का पार्ट बच गया, जब बच गया इसका मतलब एक्सपेंस नहीं हुआ, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट, और प्रीपेड एसेट है बढ़ गया डेबिट, तो 155 से आप एंट्री बना लेंगे टू एडजस्ट प्रीपेड रेंट ऑफ द मंथ।
उसके बाद कमीशन अन अर्नड है, अर्नड नहीं हुई है, और आपके पास कमीशन इनकम 222 की थी, कितनी आपकी इनकम होगी उसमें से आपके पास 55 रुपये अभी तक अन अर्नड है, मिले नहीं है, इसका मतलब लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई 55 से, और आपके पास जो है ये बात पहले बनानी थी, बात 55 से आपकी इनकम कम हो गई और 55 से आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो टू एडजस्ट कमीशन इनकम या अन अर्नड कमीशन 55 रुपीज़ से, ठीक है ना, 222 आपको अर्न करना था, लेकिन उसने क्या कहा कि उसमें से 55 रुपये की जो इनकम है वो अभी तक अन अर्नड है, तो वो आपको हासिल नहीं हुई है। उसके बाद आपको कह रहे हैं कि प्रीपेड सैलरी दें, सैलरीज जो हैं वो प्रीपेड हैं, कितने से, 133 रुपीज़ से, तो आपका सैलरी एक्सपेंस कितना था 777 से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो अक्रूड था, पेबल था, मजीद था, लेकिन इतने से अब आपका बच भी गया है, तो 133 आपका सैलरी प्रीपेड सैलरी डेबिट हो जाएगा और एक्सपेंस आपका कम हो जाएगा क्योंकि वो तो बच गया, एक्सपायर हुआ नहीं, तो टू एडजस्ट प्रीपेड सैलरी ऑफ द ईयर से आप नरेशन बना लेंगे। तो यह थी आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, अब हम बनाएंगे अपनी रिवर्सिंग एंट्रीज। तो रिवर्सिंग एंट्रीज आपके पास कौन कौन सी बनेंगी, रिवर्सिंग एंट्रीज आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3, 4 ही बनेंगी, उसमें से पहली वाली जो आपकी पेबल की थी, ठीक है ना, क्योंकि अगले टाइम में वो एक्सपेंस ख़त्म हो जाएगा और आपकी लाइबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी, तो 155 से सैलरी पेबल डेबिट और सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट टू रिकॉर्ड रिवर्सिंग एंट्री ऑफ सैलरी पेबल। उसके बाद आपने एंट्री बनाई थी प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट बच गया था और रेंट एक्सपेंडेड, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा और प्रीपेड का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, टू रिकॉर्ड रिवर्स एंट्री ऑफ प्रीपेड रेंट ऑफ द ईयर 155 रुपीज़ से। उसके बाद आपने प्रीपेड सैलरी डेबिट सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट की एंट्री अभी ऊपर बनाई थी, ये यहाँ वाली 133 की, तो इसको आप रिवर्स कर देंगे क्योंकि ये एक्सपायर हो जाएगा और प्रीपेड आपका कम हो जाएगा, क्रेडिट टू रिकॉर्ड रिवर्सिंग एंट्री ऑफ प्रीपेड सैलरी ऑफ द ईयर। उसके बाद कमीशन की बनाएंगे क्योंकि ये आप अर्नड कर लेंगे तो कमीशन इनकम क्रेडिट हो जाएगा और आपका अनअर्नड काम होकर डेबिट हो जाएगा, टू रिकॉर्ड द रिवर्सिंग एंट्री ऑफ कमीशन इनकम। ओके जी, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट है इसका ओपनिंग एंट्रीज का। देखें ओपनिंग एंट्रीज बैलेंस शीट के आइटम से बनता है कि जिसमें आपके पास एसेट लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होते हैं, तो आपके पास तमाम एसेट हैं, कैश आपके पास 4444 आ जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल एज इट इज 888, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आ जाएगी 666 की, प्रीपेड इंश्योरेंस आपके पास कितना बचा था 33 रुपीज़ का बच गया था, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कहाँ गया, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना, इंश्योरेंस आपके पास है 33 रुपीज़ का। उसके बाद अनएक्सपायर्ड रेंट था 155 रुपीज़ का, ऑफिस इक्विपमेंट 333 का, प्रीपेड सैलरी आपके पास ये देख सकते हैं 133 की है, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स आपके पास 99 का होगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 33, अकाउंट्स पेबल आपका एज इट इज आएगा, अनअर्नड कमीशन आपने रिकॉर्ड किया था, लाइबिलिटी जो है वो 55 की है, सैलरी पेबल ये भी लाइबिलिटी 155 की, और कैपिटल आ जाएगा फ़खरे आलम का 1644 का। अब ये 1644 का किस तरीके से आएगा उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 1644 तो उसका कैपिटल नहीं था, उसका कैपिटल तो 1519 था, ठीक है ना, तो इसमें से आपने क्या करना है कि ड्राइंग को माइनस करवाना है और इस साल की जो इनकम हुई होगी ना जनाब, उसको आपने ऐड करवाया, तो ये आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल, तो दोनों साइड आपके पास इक्वल आ रही होंगी और आप नरेशन बना देंगे टू रिकॉर्ड ओपनिंग एंट्रीज ऑफ ऑल रियल अकाउंट, ये आपके परमानेंट और रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।